शिवलिंग या फव्वारा? आपने बताया ऐसा शिवलिंग कहीं नहीं है, आपको पूरा पता है, अब बताइए ऐसा फव्वारा कहाँ है? नहीं 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 नहीं, अच्छा ऐसा गोलंबर में शिवलिंग देखे कहीं? अरे मैं आपसे फव्वारा पूछ रहा हूँ ना, ऐसा फव्वारा कहाँ देखे हैं बताइए ना, जिसमें कहीं पाइप नहीं दिख रहा है, आपने फव्वारा कहाँ देखा है? आपकी हिस्ट्री शिवलिंग तक बैठी हुई है। अरे भाई मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप दर्शकों को अपने अपनी जानकारी से बताइए ऐसा फव्वारा कहाँ देखा है, हम रिपोर्टर भेजेंगे उसका वीडियो कैप्चर कराएंगे। ये कागज देख, अरे दिल्ली में चल गए ढूंढिया मिलेगा आपको, हम ढूंढे, हम ढूंढे शिवलिंग आपने ढूंढ लिया पूरे इंडिया का, और फव्वारा हम ढूंढे, वो काहे नहीं ढूंढे? नहीं अरे फव्वारा मस्जिद में जाके नहीं ढूंढा हूँ ना, शिवलिंग तो हर जगह मिलता है, हर जगह मिलता है शिवलिंग, आप पूरा इंडिया घूमा है, सारे शिवलिंग देखा है और सर्टिफिकेट बांट दिया कि ऐसा शिवलिंग कहीं नहीं है, आपने लास्ट वर्डिक दे दिया, लेकिन फव्वारा ऐसा मस्जिद में है इसलिए आपको पता नहीं। अरे अपने हिस्ट्री के पन्ने खंगालिए और बताइए ऐसा फव्वारा कहाँ है, किस किस काल में देखा है, किस काल में सुना है? ठीक कीजिए पत्रकारिता, ठीक कीजिए, जहर मत फैलाइए। अरे बॉस मुझे ज्ञान मत दीजिए, दूसरी बात अगर आपका मन भर गया, आपके पास जवाब नहीं है तो बोलिए नहीं है, मैं आपको विदा करूँ, मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए, आप हिस्ट्री, आप हिस्टोरियन है तो हिस्टोरियन की तरह बात करिए। ऐसा शिवलिंग कहीं नहीं है, ये आपने सर्टिफिकेट दे दिया तो ऐसा फव्वारा कहाँ है बताइए? ये नहीं दिखा मुझे, नहीं तो नहीं दिखा तो यही, अरे भाई नहीं दिखा तो बोलिए, लेकिन ये सर्टिफिकेट मत ना दीजिए कि ऐसा कहीं और नहीं है। और फव्वारा ऐसा किस काल में होता था, किस 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 राजा के शासन में होता था बताइए? कपिल कुमार जी बोलिए, इनका ऑडियो कम कीजिए, बोलिए कपिल कुमार जी। रतन लाल जी मैं एक बात कहूंगा आपसे, एक मिनट मेरी सुन लीजिए, बोलिए बोलिए, उनको आवाज नहीं आ रही कि आप इतिहासकार हैं और इतिहास के अंदर कोई भी चीज जो है वो अंतिम नहीं होती है, नए साक्ष्य आते हैं, नए स्रोत आते हैं, नई बातें आती हैं इतिहास के अंदर, इसलिए किसी भी चीज पे ये अंतिम निर्णय दे देना कि ऐसा शिवलिंग कहीं नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, कल कहीं निकल के आ जाएगा तो इतिहासकार के नाते मेरे और आपकी भेटी होगी उसके अंदर। नहीं, नहीं, मैं इस तरीके का स्टेटमेंट सर, मैं तो हर आदमी को इस पैनल में ये आजादी दे रहा हूँ कि वो कहे, ये मत कहिए इस बात को, क्योंकि बहुत सी चीजें इतिहास के अंदर ऐसी हैं। देखिए सुनिए, हनुमान जी की मूर्तियां भी 50 प्रकार की होती है, 50 प्रकार के रूप होते हैं, कपिल भाई इतिहास को लेके ये चीज फाइनल मत कहिए कि ऐसा कुछ नहीं। एक मिनट, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैंने इस पैनल में जितने लोगों को बुलाया पहले ही स्पष्ट कर दिया कि भाई इसमें आपको जो लगता है आप बताइए, लेकिन अगर आप हिस्टोरियन के तौर पर यह बता रहे हैं कि ऐसा शिवलिंग पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, तो मैं आपसे पलट कर पूछूंगा कि फिर आपका, आप ये बताएंगे ना कि इस कालखंड ऐसे फव्वारा बनता है? अरे भाई उन्होंने नहीं देखे, लेकिन उन्होंने सर्टिफिकेट दे, तो मैं पूछ रहा हूं किस कालखंड में ऐसे फव्वारे बनते थे, वजू खाने में बनते थे, कब कब बने ये बताना चाहिए, तो वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि शिवलिंग है कि नहीं, कौन पत्रकार है कि नहीं, ये इसमें अपने काम में लगे, अरे अपना ज्ञान दिखाइए। चलिए अमरेंद्र नाथ जी, आपके हिसाब से सर, आपका भी बड़ा लंबा अनुभव है, आपको क्या लगता है, आप अपनी राय रखें। ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है उसके आधार पर ये फव्वारा नहीं दिखता है, क्योंकि जितने भी फव्वारे हम देख रहे हैं इस मुगल पीरियड के जो मस्जिद हैं उसमें वजूह में जो बने हुए हैं कहीं कहीं पर देखे जाते हैं, वो उसमें फ्लोरल पैटर्न होते हैं ऊपर में और एक टोटी लगी रहती है, और यहाँ जो दिखाया जा रहा है उसमें लगता है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है, और जो रिंग जैसा फॉर्मेशन इसके चारों तरफ है और उसके बीच में एक सिलेंड्रिकल चीज़ जो दिखाई पड़ रही है उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल जो सिचुएशन होनी चाहिए वो नहीं है, बल्कि टॉप पर एक डिस्क जैसा फॉर्मेशन है और वो डिस्क में कुछ 5 रेडियल मार्क्स इंग्रेविंग्स हैं उसके ऊपर, इंग्रेविंग्स दिखाई पड़ रहे हैं रेडियल तरीके के, तो ये इसके साथ छेड़छाड़ हुई है, और अगर वो सचमुच में ये इसी जगह पर शिवलिंग है तो फिर इसके साथ छेड़छाड़ हुई है, अन्यथा कोई और स्थल शिवलिंग का होना चाहिए। ठीक है, मैं दर्शकों के लिए एक बार स्पष्ट कर दूं कि अमरेंद्र नाथ जी ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर हैं, और वो अपने अनुभव से ये कह रहे हैं कि इस तरीके का फाउंटेन मुगल काल में नहीं बनता था, इसलिए ये फाउंटेन तो नहीं लग रहा।
दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ये देखने में शिवलिंग लग रहा है जिसके साथ छेड़छाड़ हुई है। अमरेंद्र जी आपको अभी अभी मौका दूंगा, एक एक रिएक्शन मौलाना जी सबका ले लूं पहले। अमरेंद्र जी एक चीज़ और बताइए, क्योंकि बहुत सारी खुदाई में बहुत सारे शिवलिंग मिलते रहे हैं इस देश के अंदर, क्या इस तरीके का शिवलिंग कहीं और मिला है या इससे भी खंडित या दूसरे रूप के शिवलिंग मिले हैं? कैसे ये जस्ट आप लोग पकड़ते थे कि ये शिवलिंग ही है, क्योंकि कई बार खुदाई में जो अंदर दबा है, बहुत साल से दबा हुआ है, वो शायद वैसा ना रहे जैसा पहले हो। ऐसा शिवलिंग नहीं देखने को मिला है मुझे, और जो भी दिखा है वो अपने में पूर्ण है और हेमिस्फेरिकल उसका फॉर्मेशन है और ऊपर में, और कई शिवलिंग्स में एक मुखी होते हैं जिसमें कि शिव मुख बने हुए होते हैं। मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे शिवलिंग्स हैं जिसमें एक मुख है, कभी दो मुख वाले हैं, ऐसे करके शिवलिंग पाए जाते हैं और कहीं सपाट होते हैं, सिलिंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। आपको कभी तो सर ऐसे शिवलिंग मिले जिनके साथ छेड़छाड़ हुई थी? और संयोग से मुझे ऐसी जगह खोदने का मौका नहीं मिला जहां छेड़छाड़ हुई। तो अमरेंद्र जी का भी कहना है ये शिवलिंग लग रहा है जिसके साथ छेड़छाड़ हुई होगी। अब हमारे साथ है संचेती साहब। संचेती साहब, आपने आपका आपका आकलन क्या है? मेरा आकलन यह है कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे और उसके वर्तमान स्वरूप को देखते हुए या हिस्टोरिकल जो कोई भी चेंजेस किसी भी टाइम पे हुए हैं उसके बारे में, जैसे एसआई डायरेक्टर ने कहा है, तो क्या है कि इसमें जब तक डिटेल आपकी जानकारी नहीं होती है पूरे कैंपस की। अब मैं बताऊं आपको, ये तो एक किसी कैंपस का पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर है। जब किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के थ्रू उस पूरे कैंपस के बारे में अपने को जानकारी दी जाती है तो ये पता लगता है कि वो कैंपस किस उद्देश्य से बनाया गया, उस पर्टिकुलर कैंपस के लिए क्या प्लानिंग की गई थी, किस तरह किया गया। तो अभी अपन स्ट्रक्चर पे आ गए सीधे, और स्ट्रक्चर में चेंजेस हो सकते हैं। तो आप देखें कि हिस्ट्री में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, हिस्टोरिकल चेंजेज हुए हैं। नहीं संचेती साहब, आपने जो टाउन प्लानिंग पढ़ी होगी उसमें कुछ हिस्ट्री का भी पन्ना पड़ा होगा, क्या किसी कालखंड में ऐसी टाउन प्लानिंग का हिस्सा दिखता है, ऐसे फाउंटेन आपको दिखते हैं कि भाई ऐसे रहे हो? क्योंकि एएसआई के पूर्व डायरेक्टर कह रहे हैं ऐसा फाउंटेन नहीं होता था, आपके आपकी जानकारी क्या कहती है? मैं बताऊं कि मैंने आपको ये बताया है कि जहां टाउन प्लानिंग की बात आती है, जहां किसी टाउनशिप की बात की जाती है, तो आप हिस्टोरिकल एविडेंस से पुरानी बस्तियों, पुरानी सेटलमेंट्स के आप अगर आप देखें तो सेटलमेंट्स के रियून मिलेंगे आपको, और उसका जो अंदाजा है वो अंदाजा कौन कर रहा है? आप ये बताइए कि आप नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। उसका अंदाजा जो आपने पूरा जिम्मा दे रखा है वो एसआई को दे रखा, और एसआई के जितने एक्सपर्ट, मैं नहीं कहता हूँ कि पर्टिकुलर एक एसआई, मतलब एक एसआई के एक एक्सपर्ट से लो आप राय, मैं कहता हूँ कि अपने इंडिया में ऐसे एक्सपर्ट्स हैं एसआई में जो कि आप उस स्टोन को, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, उसकी हिस्ट्री को, उसके एक इवन मैं कहता हूँ एक पार्टिकल को देख के वो बता सकते हैं कि ये किस हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो मेरा ये कि आप ठीक है, तो वो एसआई के पूर्व डायरेक्टर तो देख के कह रहे हैं कि भाई शिवलिंग लग रहा है। अब मौलाना साहब अपनी बात कहिए, आप बहुत देर से कहना चाह रहे थे, अब अपनी बात। मैं कह दूं, अभी शिवलिंग पे चर्चा हो रही है, क्या ये जो फोटो ग्राफरी दिखाई जा रही है ये ओरिजिनल है? ये मेरा विषय अपना, मैं किसी पर वो नहीं इल्जाम नहीं लगा रहा। ठीक, अगर ये फोटो है तो कैसे बाहर आया? रिपोर्ट अभी पटन पे रखी नहीं गई। दूसरी बार पुराना वीडियो है, उसी वजू खाने का बताया गया, वो वायरल है। ये नहीं कि उस वक्त सर्वे के वक्त का है, ये कोई पुराना वीडियो तब का है। वो यही मैं, अच्छा करा आपने, इसका तर्क दे दिया और सफाई दे दी। मेरा भी मानना यही है, वो नहीं है। मैं कहता हूँ मैं पुरानी दिल्ली से आता हूँ, जहाँ पहाड़गंज इलाके में शिव जी को बनाकर रखा जाता है मंदिरों में ले जाने के लिए, मेरा अक्सर जाना होता है वहां से, बहुत मेरा रास्ता भी वही है। तो मैंने तो ऐसे कोई वो शिवलिंग देखा नहीं वहाँ, जिस आकार का शिवलिंग ये है जो फोटो में दिखाया जा रहा है। नहीं वो कह रहे हैं हिस्टोरियन बैठे हुए डायरेक्टर, क्या बताएंगे, देख के लग रहा है ऊपर से कुछ रखा हुआ है उसने। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ, ये मेरा विषय नहीं है। मैं तो मुस्लिम धर्म से हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ हिंदू मुसलमानों में, मंदिरों में भी जाता हूँ, शिवालयों में भी जाता हूँ, गुरुद्वारे में भी जाता हूँ, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, उस नाते मुझे जाना होता है।
जब कहीं बैठक होती है हिंदू मुसलमान की बात की, सिखों की, ईसाइयों की, धर्म के संबंध में। मौलाना साहब, आप मस्जिदों में तो जाते होंगे, इस टाइप का बिल्कुल इसी आकार का शिवलिंग जैसा दिखे और एक थोड़ा सा वो वैसा फवारा देखा है? मैं कहूंगा आपसे, आप मेरे साथ टीम भेजिए, मैं मस्जिद फतेहपुरी ले चलता हूँ और आकार आपको बिल्कुल नजर आ जाए, बिल्कुल ऐसा ही। मैं 10-12 मस्जिद, एक के नहीं 10-12 मस्जिदों की फोटोग्राफी करा देता हूँ आपके, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। आइंदा डिबेट में आप जब मुझे बुलाएं, मुझे उससे पहले टीम भेज दीजिए। मैं ये बस इतना कह रहा हूँ सर कि अभी एक किसी व्यक्ति ने ट्विटर पर डाला वो कलकत्ता वाले वजूखाने की तस्वीर, और उसने कहा कि देखिए एकदम ऐसा ही है, और जबकि वो बिल्कुल ऐसा नहीं था, मतलब एक इंच भी मैच नहीं कर रहा था। और जैसा डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि जिस तरीके के फवारे होते थे उस जमाने में, वैसे 3 लेयर का फवारा बना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हिस्टोरिकल अभी बोल चुके हैं, उन्होंने कहा हमने ऐसा कहीं आकार का शिवलिंग नहीं देखा, नहीं तो उन्होंने फवारा भी नहीं देखा। शिवलिंग तो 99% आपकी बात मान गया, शिवलिंग नहीं है, ठीक है, तो इसका चर्चा का विषय तो सुप्रीम कोर्ट है, वो निर्णय ले लेगा अपना। सुप्रीम कोर्ट तो कहेगा ही सर, अभी लोग चूंकि चर्चा कर रहे हैं इसलिए आप विद्वानों को बुलाया। बोलिए नवल जी, एक मिनट आ रहा हूं। ऐसा है सान जी, हमारे यहाँ एक तो शिवलिंग होता है जिनको कहते हैं नर्मदेश्वर, नर्मदेश्वर होते हैं, नर्मदा जी जो नदी है मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है, आपने कभी देखी होगी, वहाँ का प्रत्येक कंकड़ मतलब प्रत्येक पत्थर को हम शंकर मानते हैं और उनको प्रतिष्ठित नहीं किया जाता। नर्मदेश्वर जो होते हैं उनको सीधे सीधे मंदिर में स्थापित किया जाता है। एक होता है जो भी मौला जी ने बताया वो बनाते हैं, उसमें नीचे अर्घा होता है, जरेली होती है, परंतु नर्मदेश्वर में नहीं, नर्मदेश्वर में अलग से बुलाया जाता है। तो ये तो विशाल कम है, इससे भी विशाल विशाल शिवलिंग में आपको दिखा सकता हूँ, इसी आकृति के आप किसी कैमरे को भेज सकते हैं, जितने प्राचीन आज से, अरे सुन तो लो भैया मैं कहाँ बोला था, 500 साल पहले जितने मंदिर आप देखेंगे जो स्वयंभू हैं, जिनको स्वयंभू कहा जाता है, ऐसे अनेक शिवलिंग आपको इससे भी विशाल मिल जाएंगे इसी आकार के। मैं पुणे कह रहा हूं कि 300 साल बहुत होते हैं, 350 साल ऊपर जो कुछ बनाया गया है ये बाद में बनाया गया है, परंतु मूल में वो शिवलिंग ही है, और इससे बड़े विशाल शिवलिंग में आपको दिखा सकता हूं। मुझे और संदेह कि हो सकता है इसके मूल में भी कुछ छेड़खानी की गई हो, खंडित किया गया हो, ये स्वाभाविक है क्योंकि जिन्होंने मंदिर तोड़े इनका स्वभाव था मंदिरों को तोड़ो, मूर्तियों को तोड़ो, खंडित करो। रिक्वेस्ट कर रहा हूं और दर्शकों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, शिवलिंग और फव्वारों की बात हो रही है, आपसे एक अपॉइंटमेंट मांग रहा हूं, रात 9 बजे पाठशाला आज देखिएगा, आज आपको बहुत विस्तार से फव्वारे, किस काल के क्या फव्वारे और शिवलिंग क्या है वो सब समझाऊंगा, थोड़ा सा 9 बजे जरूर देखिएगा, जरूर देखो। ठीक कपिल जी, देखिए ऐसा है, लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि प्रतिमाओं की विविधता है, अगर विष्णु की प्रतिमाएं भी हैं तो अलग अलग रूप में हैं, समझे, लक्ष्मी जी की अलग अलग रूप में है, और प्राचीन काल से जो कलाएं चली हैं उन्हें क्यों बांटते हैं कि ये मौर्य काल की कला थी, ये गुप्त काल की कला थी, ये नागवंश की कला है, क्योंकि हर कला ने अपना अपना एक रूप लिया है। यही तो मैंने कहा है। सुनिए सर, सुनिए, यही स्थिति शिवलिंग के साथ भी है, और एक चीज और बताऊं आपको, यही स्थिति मस्जिद के आर्किटेक्चर के भी साथ है, जो अरब के अंदर मस्जिद का आर्किटेक्चर है, जो साउथ इंडिया के अंदर मस्जिद का आर्किटेक्चर है, जो उत्तराखंड में मस्जिद का आर्किटेक्चर है, जो पूर्वी भारत में मस्जिद का आर्किटेक्चर है, वो जो जामा मस्जिद का आर्किटेक्चर है, एक जैसा नहीं है। इसलिए अगर इस पे आप ये कहने लगे कोई जाकर के साहब मैंने ये मस्जिद देखी है इसमें तो एक ही मीनार है, मैंने तो हर जगह 2 मीनार वाली मस्जिद देखी है, ये मस्जिद हो ही नहीं सकती, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छी बात, जो विविधताएं हैं आर्ट की, टाइम की, समय की, समय के काल की, उनको साथ देख करके चलिए, ठीक है।